हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं एमसी स्टैन और नेजी से। तो एमसी स्टैन और नेजी जो है वो साथ में देखने को मिले थे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और जैसे कि आप लोग को पता है कि डिवाइन का गुनेगार ट्रैक आने वाला है उनकी थर्ड एल्बम में से, तो इसके नीचे काफ़ी रैपर्स और बॉलीवुड सेलेब्स ने कमेंट करे थे, जिसमें से एक कमेंट एमसी स्टैन का भी था। तो एमसी स्टैन कुछ ऐसा लिखता है, हक हेमा गैंग गैंग विषय खोल। तो ऐसा हो सकता है कि डिवाइन की एल्बम में एमसी स्टैन के साथ भी ट्रैक हो, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर देखते हैं क्या होता है। खैर नेक्स्ट अपडेट जो है वो एमिवे की साइड से। तो एमिवे का जो ट्रैक आउट हुआ था कुछ और, उसको रागा जो है वो शेयर करते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं, वक्ष विमल एमिवे बनता है सम मेलेडीज मोर कनेक्टिंग देन एवर। तो रागा भाई को ये ट्रैक काफी ज्यादा पसंद आया है। खैर नेक्स्ट अपडेट जो है वो फरहान खान की साइड से। तो फरहान खान का एक इंटरव्यू देखने को मिला है राज जोन्स के यूट्यूब चैनल से। तो अब बात कर लेते हैं काम भारी के बारे में। तो काम भारी का 16 सितंबर को एक गाना आने वाला है जिसका नाम है खूब। तो नेक्स्ट अपडेट किंग की साइड से। तो किंग अभी अपने इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा फुकरा इंसान जो है उन्होंने किंग के लिए एक स्टोरी डाली है, वंस यू स्टार्ट लिसनिंग टू किंग देयर इज नो कमिंग बैक। तो अब बात कर लेते हैं ब्रदावी के बारे में। तो ब्रदावी ये बताते हैं कि उनका और कृष्णा का जो ट्रैक है वो अभी भी यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है, ऑल इंडियन लिरिकल रैप ट्रैक विद 80% और मोर इंग्लिश, दैट वॉज द पॉइंट टू प्रूव। तो करंटली ये 17th नंबर पे। तो अब बात कर लेते EPR के बारे में। तो इस हफ्ते का जो MTV हसल था उस पे EPR ने एक ट्रैक परफॉर्म करा था जो अभी काफी वायरल जा रहा है और काफी मेनस्ट्रीम मीडिया जो है वो इस न्यूज को कवर कर रही है। धर्म के नाम पर हो रहे कत्लेआम पर फूटा रैपर का गुस्सा, रैप वीडियो ऑन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया गोज वायरल। तो MTV हसल की बात हो ही रही है, तो MTV हसल पे श्लोव जी जो रैपर है उन्होंने कृष्णा का जो व्यंजन ट्रैक है उसी टाइप का एक ट्रैक परफॉर्म करा था, जिसपे लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कृष्णा का ट्रैक कॉपी करा है। तो इस पे उनका क्या कहना है यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो। था कि कृष्णा का व्यंजन कॉपी कर लिया, तो ये चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कॉपी नहीं होता वो। अगर आप किसी चीज को किसी से इंस्पायर्ड होकर लिख रहे हैं तो वो कॉपी नहीं होता। और बाकी अगर तुम्हें कॉपी लगता है तो आप भी लिख सकते हैं, आपके पास खुली अपॉर्चुनिटी है। मैंने लिखा है कृष्णा को कॉपी करके, तो आप मुझको कॉपी करके व्यंजन लिख। तो अब बात कर लेते हैं फैनम के बारे में। तो फैनम जो है वो सुखी के साथ देखने को मिला है। तो अब बात कर लेते हैं हिट जोन के बारे में। तो हिट जोन का एक गाना आने वाला है जिसका नाम है आ रहा है मजा। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।